ताई सुपर टेस्टी केक स्पंज बनाइबा पई मोड रखी फुलहाफ कप मोटा बहलिया दही ता संगे 1/4 कप मीठा अनुसार आपण एठी दे देबे चीनीर गुंड मोठी 1/4 कप नै जाउ एतिके ही सफिशिएंट हल्का मीठा हवा पई ता संगे मीठा को बहुत भलो बैलेंस करिया पई दे दोची गोटे रु 2 पिंच लुण एबे चीनी और दही की बहुत भले से मेल्ट करना गोल भलसे बहुत भले से सब को भेटिला देखिपे एमती ही मिक्सचर ये रेडी आमती ही मिक्सचर आमको ये दरकार बास एमें फटाफट ए गोटे स्ट्रेनर देद आदि गोटे कप मैदा आ संगे 2 चम्मच देदेव डिकन फ्लोर कॉर्नफ्लोर देले केक बहुत बढ़िया व्हाइट होता है और संगे बहुत भल स्पंजी हुए बस ये मैदा और कॉर्नफ्लोर को बहुत भल से छाणी ना छाणी जहाँ भी लम्स थी सब बाहर जाए यह हाल्का हाल्का एमती मिक्स करवा जमीक बहुत बढ़िया से लम्स फ्री वाटर बनकेट रेडी हम जमी पूरा पूरी स्मूथ रहा पूरा पूरी रिबन कनसीस्टेन्स रल्प अल्प कि क्षीर भी एड करुच्ची आपड़ चाहिए ये जगह पाँच एड करेंगे कि क्षीर देने यार टेस्ट बहुत भल आसे अल्प समय एमती बस हाल्का गोल बास येज दे दूँ 2 चम्मच रिफाइन तेल आपन अन्य कौन से तेल यूज करेंगे जो थे कि बिल्कुल भी किसी फ्लेवर न थी आ गोटे कप मैदा रे बस 2 चम्मच तेल ही सफिशिएंट और बहुत ही बढ़िया से बनिक रेडी हम तो टोटल हाफ कप क्षीर देखिए गोलैला आपड़ देखिपे या बाद भी मुझे 2 चम्मच पा एक्स्ट्रा एड कर कहीं बैटरटा मत बेस मोटा लगेगा बस या फटाफट एमती गोल मिक्स कर ना बैटर कनसीस्टेन्सी आपठी देखिपे के बढ़िया से बस हल्का फ्लोइंग आ रिबन कनसीस्टेन्सी अच्छी आ बस एमती ही कनसीस्टेन्सी है यहाँ बहुत बढ़िया बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी होता है बस ये बैटरटा तो ये बिल्कुल रेडीगला बस एम लास्ट आड करदे फुल गोटे पैकेट इनो ये सोडा कि बेकिंग पाउडर किसी भी आड करनी बस ये गोटे पैकेट इनो ही केकटा बहुत ही बढ़िया परफेक्ट बनकर रेडी हम इनो देलापर या ओभर मिक्स बिल्कुल भी करें बस एम हाल्का हाल्का पूरा बढ़िया से गोल ने अलग सैड्रे केक् बनवाई मुझे रखे 6 इंच 6 इंच केक टीन आक टीन अल्प टी तेल देखिए और चारिड बस बहुत भले से लगे ना जमीक केक् जमा भी ये चिपकबनि कि पेपर फेपर किसी भी दबा दरकार ना बस एमती ही बहुत परफेक्ट बनब एबे फटाफट सब बटर को देदेब आ हल्का टिके टैप कर ना जमीक बिल्कुल भी बबल्स रही बहुत बढ़िया से सेट हो ओवन को 10 मिनट प्रीहीट कर नहीं बस ये प्रीहीटेड ओवन में फटाफट या देदेब 30 रु 35 मिनट टाइमर देखिए छाड़ीद पूरा बढ़िया से बेक हाँपी टोटाल 35 मिनिट पर मुझे केकटा को बाहर करनी गोटे स्टिक ना ना तो मो पाखे एमती ही गोटे स्टिक अच्छी जोटा कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाए मुझे एमती चेक कर नौ आबे आप देखिपे हाल्का हाल्का टी लगुच मान ये टी जस्ट कंचा अच्छी एमती जदि लगे आप जानवे जी केकटा जमा भी है बस एवं मुझे फटाफट 15 मिनिट या छाड़ीदे 15 मिनिट पर मुझे या देखें देखिपे ये स्टिकटा बिल्कुल क्लीन आसी मैंने केक् बहुत बढ़िया और बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी एबे केकटा तो बिल्कुल रेडीगला या छाड़ीद किसी समय बहुत भल से थंडा हाँपी किसी समय थंडा हालापर मुझे हाल्का हाल्का छुरी मारिकी या बाहर करना आपड़ यार कलर आ टेक्सचर देखिपे के बढ़िया केफेक्ट आदि आपखे ओभन ना तो ये सेम प्रोसेस कड़ई में नल तो एमती तावारे बनई पारे आ सबर भिड आगर मो चेल अपलोड अच्छे आपत देखी ना तो जल्दी जल्दी देखी निपंजी तो बहुत बढ़िया होती मुझे बढ़िया से प्रेस कर पुणी थे से सेप नहीं जाऊँगी मानने बिल्कुल भी दबुन बहुत बढ़िया स्पंजी और बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी कलर भी बहुत बढ़िया व्हाइट होगी तो आशा करेसीपीट आपको बहुत पसंद आसो बहुत ही फटाफट यहाँ बनिक रेडीगला बिना फ्लेवर भी यार टेस्ट बहुत बढ़िया लगुच जदि पसंद आसम प्रोसेस निश्चय ट्राए करूँ बन सारे आपको केमती लगेगा आपण अनुभव मो संगे निश्चय सेयर करूँ धन्यवाद तो सुपर टेस्टी केक् स्पंज बनवाई मुझे रखी गोटे कप मैदा तासंगे केक रो कलर और टेक्सचर इम्प्रूव करने मुझे रखी 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर यहाँ बिल्कुल ऑप्शनल अच्छे किंतु देले यार टेक्सचर बहुत भल आसे टेस्ट हिसाब से दे दूँ 1/4 कप चीनी रो गुंड बहुत भल टेस्ट आसापी दे दूँ फुल गोटे चमच अमूल पाउडर देलापर या फटाफट एमती छाणी ना ना तो यहाँ बिंडा हो गले बहुत भल से छाणी हेनी लास्ट मुझे दे दूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर आउ 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा बस ये सब को बहुत भले से छाणापर हाल्क मिक्स करना जमी सब जिन बहुत भले से मिक्स हो
सबु जिनिषकु हालकारे गोळेला परे एथरे दे दुचे गोटे रु दुई पिंच लुण सबु टेस्ट को बहुत भल बैलेंस करिया पई लास्ट 1 टीस्पून दे दुचे एथरे साइट्रिक एसिड आपण या जिकरे लेंबुर रस मध्ये नै परबे किंतु मो पखे एटा अछि त मो एटा को आराम से यूज करछि आ एटा देखबा पई केमती आपण एटा देखि पर्थबे बस एबे हमरो प्रीमिक्स बिल्कुल रेडी हे गेला आपण एमती ए सेम प्रोसेस रे बने के आराम से गोटे एयरटाइट कंटेनर रे स्टोर करके मध्ये रखि परबे जित्ते बेले भी इच्छा हालकारे बस पानी देके मिक्स करबे आ बहुत बढ़िया से स्मूथली गोटे बैटर बने के रेडी कर बस एबे मु अल्प अल्प के पानी देके एथरी गुडे रिबन कंसिस्टेंस रो पूरा पूरी स्मूथली बैटर बने के रेडी कर दो जी ता संगे दे दो जी फुल गुट्टे बड़ चम्मच रिफाइन तेल जेंति केथरे बिल्कुल भी केचि फ्लेवर नथिबो सबु जिनस को बहुत भल से मिक्स कला आपण देखिपे के बढ़िया से बाटरटा बनिक रेडी बस आमको एमती ही बाटर दरकार ये केक् बनवाई आउ यार कनसीस्टेन्सी एतिक रही ही यहाँ बहुत बढ़िया और बिल्कुल परफेक्ट बनिक रेडी था बाटर तो अठी बिल्कुल रेडीगला आपड़ चाहिए एनसी फ्लेवर आड करेंगे ना तो गुजराती गुंड आड करेंगे कि मो पाखे स्ट्रबेरी फ्लेवर अच्छी आई केकटा स्ट्रबेरी फ्लेवर बनाऊे से मुझे किसी स्ट्रबेरी फ्लेवर दे दीजिए बस 4-5 ड्रप दे कि बहुत भल से आपको हालांकि मिक्स कर ना आउ तेल मारिक रखिदा केक् टीन में देदेव एर आप चाहिए पेपर मैं हार्ड करेंगे कि बहुत ही इजिली बाहर जाए बिल्कुल भी पेपर हेड का किसी भी दरकार नहीं बस फटाफट देखिए हालांकि टैप कर ना ओवन को मुझ 10 मिनट प्रीहीट करनी बस ये प्रीहीटेड ओवन में फटाफट या देदेव 30-35 मिनट टाइमर देखिए आपको छाड़ीद पूरा बढ़िया से बेक हाँ टोटाल 40 मिनट लगे एक केक् को बेक हाँ आप देखिपे के बढ़िया कलर आम गोटे एम छोट का चेक करमती छोट स्टिक भाया देखिए आप आराम से चेक करेंगे ना तो छुरी में आराम से चेक करेंगे बस आप देखिपे के बढ़िया से क्लीन आसने केक ये बहुत बढ़िया से रेडी सारी एबे एको हल्का रे ठंडा हवा पई छाड़ दबा हल्का ठंडा हला पारे मुडी हल्का हल्का रे एमदी छुरी मारी के एको एमदी बाहर कर नउ जी बस हल्का रे टैप करके बाहर कला पारे आपण रे टेक्सचर देखि परसंद केत्ते बढ़िया स्पंजी हे जे केत्ते मस्त हे जे बस एबे हमर सुपर टेस्टी स्पंज तो बिल्कुल रेडी हे गेला किंतु मु एटा आपन को एबे काटी के बिल्कुल भी देखेबिनी याको भी बहुत भले से ठंडा हवा पई छाड़ दबा गंगे एटा हल्का गरम अछि नेक्स्ट वीडियो रे आपन को यार डेकोरेशन सह फुल केक रो रेसिपी मिल जिवो तो आशा कर आज रेसीपी टी आपन को बहुत पसंद आसीब जदि पसंद आम प्रोसेस थरी निश्चय ट्राए करूँ एवं बनई सारापर आपमती लगे आपंक अनुभव मो संगे निश्चय सेयार करूँ आदि आपको आज रेसीपी पसंद आई नुआ नुआ रेसीपी नोटिफिकेशन पाइबा आप चैनल को जदि ए जाए सब्सक्राइब करना तो जल्दी जल्दी करनी धन्यवाद।